स्टूडेंट्स, ये आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंबाइंड अर्थमेटिक मीन यानी कि सामूहिक समांतर माध्य समांतर माध्य सामूहिक समांतर माध्य क्या है, कंबाइंड मीन क्या है। जब दो या दो से अधिक भागों के किसी श्रृंखला के दो से अधिक भागों के माध्य दिए हुए हैं, मदों की संख्या दिया हुआ है, तो हमको एग्रीगेट यानी कुल का माध्य निकालना है, जिसको कहते हैं सामूहिक माध्य। सामूहिक माध्य में दो भाग रहेंगे, दो भाग का माध्य दिया रहेगा, उनकी मदो आइटम का संख्या दिया हुआ रहेगा और कहा जाएगा कि इसका सामूहिक माध्य निकालें। ऐसे कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैसे निकालना है इसका फार्मूला। फार्मूला एक नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि सामूहिक माध्य निकालने का फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला है ये। तो बच्चों इसमें क्या है कि x बार 1 n1 x2 n2 ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि दो भागों में जो माध्य दिया हुआ है मदों की संख्या है, तो लेकिन दो से अधिक भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, लेकिन उसके लिए हम पहले ये क्या स्टैंड कर रहा है x1 2 ये x बार 1 n1 इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है x बार 1 2 इसको ये पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सामूहिक माध्य। यहाँ दो है इसलिए दो, तीन अगर कॉमन लेके तीन लिखते, जितनी संख्या अधिक रहती है उतना बढ़ाते जाते हैं, और यहाँ 1 2 + 3 + 4 और यहाँ पर भी n1 + n2 + n3 ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो x बार 1 क्या है, प्रथम वर्ग का समांतर माध्य। n1 क्या है, प्रथम वर्ग में मदों की संख्या। n2 क्या है, दूसरे वर्ग दूसरे क्लास में जो वर्ग है का समांतर माध्य। n2 क्या है, दूसरे वर्ग में मदों की संख्या। और ऐसे ही आता x3 तो तीसरे वर्ग का समांतर माध्य, n3 तीसरे वर्ग की मदों की संख्या। इस प्रकार हम ये फार्मूला को बना सकते हैं आगे और लिख भी सकते हैं। तो अगर मान लें कि दो तीन वर्ग रहा तो क्या लिख सकते हैं फार्मूला में, जैसे 1 2 ……… कर देते हैं, एक और कर देते हैं 3 n तक चला गया। n तक क्या है, n तक हमारा वर्ग है, तो n x बराबर x बार 1
n1 plus x bar 2 n2 plus x bar 3 n3 plus dot 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 x bar n. ये इस तरह और यहाँ पर भी हम लिखते हैं n1 plus n2 plus n3 plus dot 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 plus n n. इस तरह ये n है छोटा. तो ये फॉर्मूला जो है इस तरह आगे बढ़ते चल जाएगा, लेकिन हमेशा आता है कभी यहाँ माइनस कर देगा, कभी n n1 की जगह n2 लिख देगा, गुणा कर देगा x1 में. तो इस तरह फॉर्मूला याद रखने से पिछले बार भी या इसके पिछले बार इस तरह क्वेश्चन पूछा था. और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे. कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को हमें हिंदी में लिख रहे हैं कि 11th क्लास के सेक्शन ए के 60 छात्र, यानी यानी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 68 स्टूडेंट्स जो हैं के इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के पेपर में के पेपर में 40 अंक आए, 40 माध्य अंक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा मीन मार्क्स इसका 240, यानी कि 40 माध्य अंक है. और सेक्शन बी में, सेक्शन बी के 40 छात्र जो है स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स के पेपर में 35 माध्यम है, यानी कि मीन मार्क्स, यानी कि जो मीन मार्क्स इज 35. तो क्या करना है, 11 क्लास के सभी 100 छात्रों के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के पेपर में सामूहिक माध्य ज्ञात करें. ये हमारा फिगर है. अब केलेवस क्लास का सेक्शन है, दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी. सेक्शन ए में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60 स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स लाया है. 40 मार्क्स उसका एवरेज है. 60 स्टूडेंट से जितना सारे 60 बच्चे ने जितने भी मार्क्स लिए उसका एवरेज निकाला गया है तो उसका आया 40. और सेक्शन बी के 40 स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में जितना मार्क्स लाया उसका एवरेज निकाला गया तो बोला 35. तो अब कह रहा है कि टोटल जो मेरा 6 बच्चा है इसमें तो अलग अलग सेक्शन का हम लोग एवरेज निकाल दिया इकोनॉमिक्स का, कितना मार्क्स आया उसका एवरेज, उसका मीन निकाल लेते हैं. तो अब बोला कि टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी को दोनों को जोड़ दिया, 100 बच्चे हो गए, 60
40 तो अब होता कि 100 बच्चों का ये सामूहिक माध्यमिका है। तो यहाँ पर मेरा एक स्वान पहला जो मीन मार्क्स कितना है ये 40, ये सब पहले मेंशन करेंगे। N1 कितना है पहला नंबर पदों मधुर संख्या 16 और H2 कितना है X2 35 है ना 35 और N2 कितना है 40। ये अब इस फॉर्मूला को बैठा करके हम लोग बना लेंगे। ये अब इसको बैठा के बनाने में बहुत आसान है। ये वाला यहाँ 40 लिखे 40 × 60 + 35 × 40 और यहाँ पर N1 जो है ये 60 था और प्लस 40। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये दोनों को गुना कर देंगे तो 24 प्लस 100 इस तरह ये हम लोग निकालेंगे। अब इसको क्या करना है वो ऊपर वाला जोड़ करके ये हमारा आ जाता है 1, 2, 4, 8, 2, 3, 1, 2, 1, 3 × 100 38 मास। ये मेरा सामूहिक मास निकल गया। इस तरह हम लोग जब अलग अलग